लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इस बात की परवाह ना करें, लोगों का काम है कहना, बस आप मंजिल को हासिल करने के लिए काम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आधुनिक मनी मंत्र में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों का 29 फरवरी दिन गुरुवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और मिथुन राशि वालों को आने वाले समय में कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों आज के वीडियो में ये भी बताएंगे कि मिथुन राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, स्वास्थ्य आदि कैसा रहेगा। अगर आपकी भी मिथुन राशि है और आप भी जानना चाहते हैं आज का संपूर्ण राशिफल तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। दोस्तों आज गुरुवार है, आज भगवान नारायण का वार है, इसलिए कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल को ऑन जरूर करें। चलिए दोस्तों आज के पंचांग को जान लेते हैं। आज का पंचांग है 29 फरवरी 2024 दिन गुरुवार। आज की तिथि है पंचमी। आज का नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। सूर्योदय 6:47 AM, सूर्यास्त 6:20 PM। सूर्य राशि सूर्य कुंभ राशि में है। अभिजीत मुहूर्त 12:11 PM से 12:57 PM। आज का चाणक्य विचार। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में स्त्री पुरुष के लिए विवाह के बाद बड़े कड़े नियम बताए हैं। इन नियमों का पालन नहीं करने पर जिंदगी बर्बाद हो सकती है। यही नहीं, इस एक गलती को करने पर हमेशा के लिए सुखचैन खत्म हो सकता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार वक्त रहते अगर गलती में सुधार नहीं किया जाए तो फिर जीवन दूभर हो जाता है। शादी के बाद धोखेबाजी। आचार्य चाणक्य का मानना है कि जो स्त्री या पुरुष अपने जीवन साथी के होते हुए पराए पुरुष या स्त्री से संबंध बनाते हैं, नजर डालते हैं, उन लोगों का अस्तित्व बहुत जल्द खत्म हो जाता है। इनके चरित्र पर वो दाग लगता है जो ऐसे लोगों का अस्तित्व खत्म कर देता है। ऐसी स्त्री ऐसा पुरुष इस पे वो दाग लगता है जो मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ता। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि विवाह एक पवित्र बंधन है जिसमें किसी भी तरह की धोखेबाजी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जब भी कोई स्त्री या फिर पुरुष इस पवित्र बंधन को तोड़ते हैं तो फिर समाज में उनका मान सम्मान खत्म हो जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विवाह के बाद त्याग की भावना स्त्री पुरुष में होना जरूरी है, अगर ऐसा ना हो तो शादी टूट सकती है। ये त्याग दोनों तरफ से होना चाहिए। त्याग की भावना ना रखने वाली स्त्री और पुरुष धोखेबाज होते हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में बताया है कि दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, धूर्त सेवक और सांप, इन चार चीजों पर कभी दया नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसे लोगों से कोई संबंध रखेंगे तो फिर आप मुसीबत को बुलावा दे रहे होंगे। खासतौर पर विवाह के बाद ऐसे किसी संबंध को हमेशा ऐसे किसी भी संबंध से हमेशा हानि ही होती है। दोस्तों यदि चाणक्य की नीति अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज का मिथुन राशि फल। आज आप तली भुनी चीजों से दूर रहें, नियमित व्यायाम करते रहें, घरेलू सुख सुविधाओं की चीजों पर जरूरत से ज्यादा खर्चा ना करें। पिता का तल्ख बर्ताव आज आपको नाराज कर सकता है, लेकिन हालात को नियंत्रण में रखने के लिए शांत रहें, इससे आपको फायदा होगा। आपके प्रिय की गैरहाजिरी आज आपके दिल को नाजुक बना सकती है। सहकर्मियों के साथ काम करते वक्त युक्ति और चतुरता की जरूरत होगी। वकील के पास जाकर कानूनी सलाह लेने के लिए अच्छा दिन है। स्वास्थ्य और आपके जीवन साथी का मिजाज आपके दिन को नकारात्मक तौर पर प्रभावित कर सकते हैं। आज आप लव पार्टनर या साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। लव मैरिज के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। सगाई के लिए भी दिन शुभ है। अगर आपने अभी तक अपने प्रियतम को प्रपोज नहीं किया तो आज कर सकते हैं। अकेले जातकों के लिए प्रेम की घंटी बज सकती है। आपको जीवन में सभी कठिन परिस्थितियों के माध्यम से अपने माता पिता का पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा। प्रेम के मोर्चे पर जो लोग सूनापन महसूस कर रहे हैं वे प्यार में रंग भरने के लिए कुछ रोमांचक योजना बना सकते हैं। मौसम में आए अचानक बदलाव के कारण स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। घर में मित्र और नाते रिश्तेदारों की आवाजाही से खुशहाली भरा वातावरण रहेगा। क्षणिक गुस्सा, विवाद और दुर्भावना की वजह बन सकता है। मनोरंजन और सौंदर्य में इजाफे पर जरूर ज्यादा वक्त ना खर्च करें। करीबी पारिवारिक सदस्य आपको झुंझलाहट और जलन का अनुभव कराएंगे। बहस या झगड़े में उलझने के बजाय शांति से ये बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। प्यार के नजरिए से देखें तो आज आप जीवन के रस का भरपूर आनंद लेने में सफल रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति कुछ बाधाओं के चलते अटक सकती है, बस धैर्य से काम लें। जल्दबाजी में फैसले ना करें ताकि जिंदगी में आगे आपको पछताना ना पड़े। जीवन साथी के साथ एक बढ़िया दिन गुजरने वाला है। आज आपके लिए सभी ग्रह सितारे आपके पक्ष के बने हुए हैं। जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी। आज के दिन घूमने फिरने की योजना बन सकती है, लेकिन आज आप अपने खान पान पर थोड़ा काबू रखें। अगर आप कई दिनों से कामकाज में दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो आज के दिन आपको राहत महसूस हो सकती है। आज किसी के साथ भी वाद विवाद में ना पड़े, आपकी इच्छा शक्ति को प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि आप बहुत पेचीदा हालात से निकलने में कामयाब रहेंगे। भावुक फैसला लेते वक्त अपनी तार्किकता ना छोड़ें, जल्दबाजी में निवेश ना करें। अगर आप सभी मुमकिन कोणों से परखेंगे नहीं तो नुकसान हो सकता है। आज आपका मन खुश होगा और आप अपने दोस्तों व परिवार के सदस्यों पर पैसे खर्च करने का आनंद लेंगे। आज हो सकता है कि पहली नजर में ही आपको कोई पसंद कर ले। आज आपको दफ्तर में कुछ ऐसा काम करना पड़ सकता है जिससे आप लंबे समय से बचने की कोशिश कर रहे थे। प्यार के मामले में आपको सफलता मिलेगी। नए कार्यों की शुरुआत करना शुभ रहेगा। अपनी व्यक्तिगत भावनाएं और गोपनीय बातों को अपने प्रिय से बांटने का आज सही समय है। प्रेम संबंधों के लिए एक अच्छा दिन है। कार्यालय में सब कुछ आपके पक्ष में जाता नजर आ रहा है। आज आप खुद को लोगों के साथ ध्यान के केंद्र में लाएंगे।
आज व्यवसाय क्षेत्र में स्पर्धा के सामने आपको टिकना पड़ेगा। आज आप समाज कल्याण से संबंधित कार्य करने की योजना बनाएंगे, जो उधारी के लिए आपके पास आए उन्हें नजरअंदाज करना ही आज बेहतर रहेगा। पारिवारिक मोर्चे पर चीजें अच्छी रहेंगी और अपनी योजनाओं के लिए आप पूरे सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं। आपकी आंखें इतनी चमकीली हैं कि वे आपके प्रिय की अंधेरी रात को भी रोशन कर सकती हैं। जिस पहचान और पुरस्कार की उम्मीद आप कर रहे थे वह बात के लिए टल सकती है और आपको हताशा का सामना करना पड़ सकता है। आज ऐसी कई सारी चीजें होंगी जिनकी तरफ तुरंत गौर करने की आवश्यकता है। अपने जीवन साथी के चलते आप महसूस करेंगे कि स्वर्ग धरती पर ही है। छात्रों के लिए एक अनुकूल दिन है क्योंकि वे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। स्थावर संपत्ति की कार्यवाही को स्थगित करना आपके हित में रहेगा। माता का स्वास्थ्य कुछ बिगड़ सकता है। आपके वित्त के मामले में एक औसत दिन है। सोच समझकर बोलें क्योंकि कड़वे शब्द शांति को नष्ट करके आपके और आपके प्रिय के बीच दरार पैदा कर सकते हैं। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इससे पहले कि नकारात्मक विचार मानसिक बीमारी का रूप ले लें आप उन्हें खत्म कर दें। ऐसा आप किसी दान पुण्य के काम में सहभागिता के जरिए कर सकते हैं जिससे आपको मानसिक संतोष मिलेगा। अगर आप अपनी रचनात्मक प्रतिभा को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वह काफी फायदेमंद साबित होगी। कुछ लोग आपकी झुंझलाहट की वजह बन सकते हैं, उन्हें नजरअंदाज करें। आपके प्रिय की गैर हाजिरी आज आपके दिल को नाजुक बना सकती है। अगर आप कामकाज के लिए जरूरत से ज्यादा दबाव बनाएंगे तो लोग भड़क सकते हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले दूसरों की जरूरतों को समझने की कोशिश करें। लंबे समय से चली आ रही आपकी परेशानियों से आज आपको छुटकारा मिल सकता है। आगे बढ़ने के बजाय अपने सभी आने वाले कार्यों को खत्म करना बुद्धिमानी हो सकता है। किसी समान विचार वाले व्यक्ति के साथ वक्त गुजारना संतोषजनक रहने की संभावना है। ये दिन बहुत कुछ कहता है। समय थोड़ा विपरीत जरूर है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सावधान होकर के काम करें तो हानि से बच सकते हैं। पैतृक संपत्ति से संबंधित मामले आज हल होंगे। भावनात्मक तौर पर बहुत अच्छा दिन नहीं होगा। आर्थिक परेशानियों के चलते आपको आलोचना और वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लोगों से ना कहने के लिए तैयार रहें जो आपसे जरूरत से ज्यादा उम्मीदें लगाए हों। आपके प्रियजन खुश हैं और आपको शाम के लिए उनके साथ आज कोई योजना बनानी चाहिए। किसी से आंखें चार होने की काफी संभावना है। अगर आप कई दिनों से कामकाज में दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो आज ये दिक्कत खत्म होकर आपको राहत मिलेगी। आज आप सकारात्मक ऊर्जा से बने रहेंगे जो आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करेगा। स्वयं के काम से समय निकालकर परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना आज संभव नहीं हो पाएगा। कोशिश करेंगे तो अपनों के करीब आना आसान हो जाएगा। व्यापारियों को अपने व्यापार संचालन मुनाफे में वृद्धि दिखाई देगी। आज अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कारोबार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। परिवार में वातावरण आनंदित रहेगा। कार्यस्थल पर किसी से आंखें चार हो सकती है। प्रेमिका से किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। वैवाहिक जीवन में खर्च बढ़ने वाला है। जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए कोई रिश्ता आ सकता है। आज मिश्रित परिणामों की अवधि है। इस समय आप थोड़े चिंतित भी हो सकते हैं। आज आप अनावश्यक जटिलताओं में फंस सकते हैं और चल रही परियोजना में आपको बाधाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। आपको इस समय कड़ी मेहनत करनी होगी। वित्तीय मुद्दों को हल करने में भी कुछ समय लग सकता है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अच्छे से सोच लें। पारिवारिक जीवन सामंजस्यपूर्ण रहने वाला है और आज आप बड़े उत्साह के साथ पारिवारिक गतिविधियों में भाग लेंगे। यात्रा संभव है, ये लाभदायक भी रहेगी। प्रेम के मामले में प्रियतम पर अपनी सोच ना थोपें, इससे रिश्तों में कड़वाहट आएगी। प्रेम का रोमांच आप महसूस करेंगे। रोमांटिक क्षण प्रेमी के साथ बिताने को मिलेंगे। आज आप काफी कामुक हो सकते हैं। स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखें। आज का दिन आपका काफी उपलब्धियों भरा रहेगा। दोस्तों आज आपका शुभ अंक है 3, शुभ रंग है केसरी और पीला। उपाय: लंगड़े अपाहिज व्यक्ति की सेवा करने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। मित्रों इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स में हमें अपने सुझाव अवश्य दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।